हेलो स्टूडेंट, नाउ वी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट द गिवन नंबर इन अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो भी सिस्टम में ये दे रखा है इसको हमको अदर सिस्टम में क्या करना है, चेंज करना है। टू सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो ये जो है ये कौन से सिस्टम में दे रखा है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखा है और इसको हमको इंडियन सिस्टम में चेंज करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। 387,000 को हमको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट हंड्रेड थाउजेंड इक्वल टू कितना होता है, वन, एक लाख। कितना होता है 100,000 इज इक्वल टू 1,00,000। अब हंड्रेड, वी नो दैट 100,000 इक्वल टू 1,00,000। उसके बाद देयरफॉर हमको कितना निकालना है, 387,000। तो 387,000 का कितना जाएगा, 300,000 का निकालते हैं पहले हम। 300,000 इक्वल टू कितना होगा, जब 100,000 इज इक्वल टू 1,00,000 तो 300,000 इज इक्वल टू 3,00,000। कितना हो जाएगा, 3,00,000। 3,00,000 कैसे लिखते हैं हम, 3,00,000, 3 लिखने के बाद उसके बाद कितनी जीरो आती है, 50। कितनी आती है, 50। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है, 387,000। कितना पूछा आपसे, 387,000। तो 387,000 का कितना आएगा आपका, 300,000 इज इक्वल टू 3,00,000। तो 387,000 इज इक्वल टू कितना होगा, 387,00,000। कितना आएगा, 387,00,000। ओके, दिस इज द योर आंसर, 387,00,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 387,000 ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम में। तो वी नो दैट 100,000 इज इक्वल टू 1,00,000। तो 300,000 इज इक्वल टू कितना होगा, 3,00,000। तो 387,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको जैसे कि नंबर सिस्टम में आपको लिखना है, नंबर सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, 3,87,000 इस टाइप से लिखेंगे, 387,000 इस टाइप से ये राइट होगा। क्योंकि इंडियन सिस्टम में चेंज हो जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों में जब हम कॉमा लगाते हैं तो नंबर जो पढ़ते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 3,00,000। अब 87 क्या जाएगा, 1,000 की प्लेस पे आ जाएगा, तो 387,000 ये इसका हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइट, 96 बिलियन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 96 बिलियन को आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट, अभी तक तो आपको टेबल लर्न हो चुकी होगी आई थिंक। वी नो दैट 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 1 अरब। 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अरब। तो देयरफॉर 96 बिलियन इक्वल टू कितना होगा, 96 बिलियन इज इक्वल टू 96 अरब। 96 बिलियन इक्वल टू कितना होगा, 96 अरब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नहीं एक्सप्लेन कर दीजिए मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 क्वेंटिलियन। 6 क्वेंटिलियन को कन्वर्ट करना है आपको। तो पहले 1 क्वेंटिलियन का वी नो दैट, वी नो दैट 1 क्वेंटिलियन कितना होता है, 1 क्वेंटिलियन कितना होता है आपका, 1 क्वेंटिलियन इक्वल टू होता है आपका 10 शम।
कितना होता है टेंशन. 1 क्वेंटिलियन वी नो दैट 1 क्वेंटिलियन इक्वल टू टेंशन. 1 क्वेंटिलियन इक्वल टू टेंशन होगा तो देयरफॉर 6 क्वेंटिलियन इक्वल टू कितना होगा बताइए. 6 क्वेंटिलियन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10. 6 में 10 का मल्टीप्लाई किया करेंगे तो कितना आएगा 60. तो ये हो जाएगा आपका 60 शंक. कितना हो जाएगा आपका ये 60 शंक. नाउ योर आंसर इज 60 शंक. आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में और उसका फोटो खींचकर आपको मुझे सेंड भी करना है. ओके नाउ राइट एक्सरसाइज पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4. 809 ट्रिलियन. क्वेश्चन नंबर 5 28 मिलियन. एंड क्वेश्चन नंबर 6 911,000. एंड क्वेश्चन नंबर 7 45 मील. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 45 मील. तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, ये चैप्टर नंबर 2 ओवर हो चुका है. ओके थैंक यू.